अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट का नेक्स्ट यूज़ क्या है? तो स्केलर प्रोडक्ट का नेक्स्ट यूज़ ये होता है कि मान लो हमारे पास एक वेक्टर दिया है ए, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी, और वेक्टर बी ए के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा। मान लो ये तुम्हारी यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारी वहाँ पे क्या है? वाई एक्सिस है। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ए को मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, इसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस। अब मैं अगर वेक्टर बी की बात करूं तो वेक्टर बी के यहां पे दो कंपोनेंट हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। एक कंपोनेंट जो रहेगा वो मिलेगा जब मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और एक कंपोनेंट मिलेगा जब मैं वाई पे क्या करूंगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। देखो है कि नहीं है? तो जब हम वेक्टर बी की बात कर रहे हैं तो वेक्टर बी के दो कंपोनेंट हैं, जिसके साथ थीटा एंगल होता है तो उसके साथ कंपोनेंट चलता है वहां पे बी कॉस थीटा। देखो है कि नहीं है? तो इस वेक्टर का एक्स पे कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा, वाई पे कंपोनेंट आएगा कितना? बी साइन थीटा। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बी कॉस थीटा क्या है, तो हम बोलेंगे बी कॉस थीटा वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है ए पे। तो नेक्स्ट यूज क्या है स्केलर प्रोडक्ट का? कई बार क्वेश्चन में दो वेक्टर दिए होते हैं और हमें किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो बी साइन थीटा वो प्रोजेक्शन है जो ए पे परपेंडिकुलर है, लेकिन बी कॉस थीटा वो प्रोजेक्शन है जो किसके अलोंग है? ए के अलोंग है। तो वेक्टर ए के अलोंग बी का जो प्रोजेक्शन है वो है यहां पे बी कॉस थीटा। तो हम लोग कई बार ये भी बोलते हैं कि वेक्टर बी का ए पे प्रोजेक्शन कितना है, तो वेक्टर बी का ए पे प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग कितना है, तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग बी कॉस थीटा है। अब मुझे अगर बी कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें रिजल्ट मालूम है ए डॉट बी किसके बराबर? ए बी कॉस थीटा के बराबर। हमें कैलकुलेट क्या करना था? हमें कैलकुलेट करना था वहां पे बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए डॉट बी अपॉन क्या हो गया? ए। देखो है कि नहीं वहां पे? अब ये फॉर्मूला क्या देगा? ये फॉर्मूला देगा वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पे। सिमिलरली देखो, मान लो ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ये मेरा हो गया वेक्टर बी। अब अगलेस्ट इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब अगले स्टेप में मैंने इसको मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। समझ में? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब अगले स्टेप में वेक्टर बी के अलोंग मैंने वाई एक्सिस पकड़ लिया, तो उस पर परपेंडिकुलर मेरी क्या होगी? एक्स एक्सिस हो जाएगी। अब मैं अगर वेक्टर ए की बात करूं तो वेक्टर ए के भी दो कंपोनेंट होंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। एक कंपोनेंट आएगा जब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वाई एक्सिस पे, और दूसरा कंपोनेंट आएगा जब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पे। किसके साथ थीटा एंगल है? वाई के साथ थीटा एंगल है। तो यहां पे जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा, और यहां पे जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ए साइन थीटा। आया कि नहीं आया? मैंने क्या लिखवाया था? किसी वेक्टर का जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल होगा उसके साथ हमेशा वहां पे कौन सा कंपोनेंट चल रहा होगा? हमेशा वहां पे चलेगा कॉस कंपोनेंट। अब मैं अगर पूछूं कि वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन कितना है, तो तुम बोलोगे वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा है। अब मुझे अगर ए कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फिर से इसको देखो, ए कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो वो रिजल्ट हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी। देखो है कि नहीं है वहां पर? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी ये क्या देगा? ये देगा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पे? वेक्टर बी पे। क्लियर क्लियर हो? तो अब जैसे देखो, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर
थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप अलोंग द वेक्टर 12i कैप प्लस 3j कैप माइनस क्या हो गया 4k कैप। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है, मान लो वेक्टर a को क्या बोल रहा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस वहां पे क्या हो गया k कैप, ये एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर वहां पे b है और B को क्या बोल रहा है, B को बोल रहा है वो 12i कैप प्लस 3j कैप माइनस वहां पे 4k कैप है। अब देखो किसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अलोंग द वेक्टर। तो हमें इस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है B के अलोंग, क्या ना B का कंपोनेंट नहीं फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अलोंग द वेक्टर 12i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो वेक्टर A का अगर B पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला A cos थीटा A डॉट B अपॉन क्या था, वेक्टर B था। अब सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट लो, अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करने पे केवल I डॉट I का यूज होता है, ये 1 देता है, तो 12 इंटू 3 36, I डॉट J 0, I डॉट K 0, इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जे डॉट आई जीरो देगा, माइनस टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स जे डॉट जे वन, इसका के साथ जीरो। अब के वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो इसका भी इसके साथ जीरो होगा, इसका भी इसके साथ जीरो होगा, लेकिन यहां पे वन होगा, यहां पे वन इंटू माइनस फोर माइनस फोर। तो चेक करो ये ए डॉट बी है कि नहीं। अब बी यहां पर क्या है, बी यहां पर इस वैक्टर का मैग्नीट्यूड है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट दिए हुए हैं तो उसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इसी को आगे एक्सटेंड कर दो, अगर किसी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट दिए हैं, एक्स भी दिया है, वाई भी दिया है, जेड भी दिया है, तो उस वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूले में केवल ए जेड स्क्वायर और एड कर दो। अभी तक हमने जो वैक्टर पढ़ा था वो वैक्टर प्लेन में था, तो वहां पे हम केवल ax और ay की बात करते थे, लेकिन अगर कोई वेक्टर स्पेस में है तो वहां पे हम ax, ay, az तीनों की बात कर रहे होंगे, तो फॉर्मूला जो रहता है वो होता है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, b का मैग्नीट्यूड चाहिए 12 का स्क्वायर 144, 3 का 9, 4 का 16, तो जो a cos थीटा रहेगा, अब चेक करो वहां पे 36 माइनस 6 30, 30 माइनस 4 कितना आ गया 26 डिवाइडेड बाय, अब चेक करो 144 650 60 90 169 का अंडर रूट 13, और ये तुम्हारा यहां पे हो जाएगा 2। तो 2 क्या है, 2 यहां पे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है, किसके अलोंग, बी के अलोंग, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, बी पे बोलेंगे। तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसको इतना नोट डाउन कर लो वहां पर।